नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी आ रही है फ्रेंड्स। जैसा कि अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, मैंने आप लोगों के लिए RRC इलाहाबाद का ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके रखा है। और यहाँ जो है सो फ्रेंड्स, मुझे पता है RRC इलाहाबाद के बच्चे कितने ज़्यादा बेसब्री से वेट कर रहे थे। और हमारा जो लाइव डाउट सेशन चलता है डेली के लाइव डाउट सेशन में, बच्चे जो कि अपना अपना क्वेरी पूछ रहे थे कि सर इलाहाबाद का कब आएगा, इलाहाबाद का कब आएगा। तो फाइनली आप सभी का इंतजार खत्म हो चुका है फ्रेंड्स, और RRC इलाहाबाद का देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने नोटिस आ चुका है 18 जुलाई का। और जैसा कि आप सभी को पता है, उमंग स्टडी सबसे फास्ट सबसे सटीक आप लोगों के लिए लाता है, तो हमेशा फिर से इलाहाबाद के केस में हम लोग सबसे पहले आपके लिए हाजिर हैं। ओके, तो प्रोविजनल पैनल पार्ट वन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन द पब्लिश पोस्ट ऑफ लेवल वन 7th सेंट्रल पे कमीशन अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2018। ओके, तो इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये पैनल खुल करके आ जाएगा, जिसका खुशी का पिटारा, जिसका आप लोग सब्री से इंतजार कर रहे हैं, ये देख सक रहे हो फ्रेंड्स अपने स्क्रीन के ऊपर। 23 पेज का लगभग ये PDF है जो कि आपके सामने खुल चुका है। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ देख सकते हैं आपके सामने लिखा हुआ है क्लियरली, रेलवे रिक्रूटमेंट से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद वेबसाइट, ये इनका वेबसाइट है। प्रोविजनल पैनल पार्ट वन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑन द पब्लिश पोस्ट ऑफ लेवल वन 7th सेंट्रल पे कमीशन अगेंस्ट सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2018। ऑनलाइन आपको पता है हुआ था कब से कब तक, आपका 17/9 से 17/12 तक। उसके बाद जो है कि आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है द रिजल्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैंड ओवर टू रेलवे रिक्रूटमेंट सेल स्लैश नॉर्दर्न रेलवे स्लैश इलाहाबाद फॉर फिजिकल इफिशियंसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट। वो मतलब बोला जा रहा है कि वो जो भी आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और मेडिकल फिटनेस के लिए RRB ने वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया था, जो कि 26 अप्रैल से लेकर के आपका 8 अप्रैल तक चला था। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है सो कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेचर एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट एट इतना फ्रॉम मेडिकल फिटनेस 26 अप्रैल से लेकर के 14 जून तक आपका चला था। कैंडिडेट हुड वेर एबसेंट ऑन सच डेट्स अगेंस्ट कॉल फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट ऑन 15 जुलाई, जो भी बच्चे एबसेंट थे उनका इस डेट में हुआ था। खैर ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। नेक्स्ट प्रोविजनल पैनल पार्ट वन ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ PWD एंड अदर देन PWD आर बीइंग इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स एंड मेडिकल फिटनेस टेस्ट एज पर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट लेट डाउन बाय रेलवे बोर्ड। ओके, द डिटेल्स ऑफ द प्रोविजनली लिस्टेड कैंडिडेट्स आर एज बिलो, यहाँ देख सकते हैं। अनरिजर्व 1536, SC 519, ST 271, OBC आपका 670 है, एक्स सर्विस मैन 134 है, CCAA 42 है, PWD 82 है, टोटल 3254 है। तो अच्छा, यहाँ पे सभी का एक साथ दिया गया है, PWD भी है, एक्स सर्विस मैन है, अप्रेंटिसशिप वाला, जो भी कभी कभी PWD का दिया जाता है, कभी कभी नॉन PWD का दिया जाता है, सबका दिया गया एक साथ, ये अच्छी बात है। नोट में कुछ पॉइंट लिखा गया, कैंडिडेट्स हो जेन्युइनेस एंड वेरिफिकेशन नॉट कंप्लीटेड एंड अंडर प्रोसेस हैव नॉट बीन प्रोविजनल पार्ट वन आफ्टर द कंप्लीट वेरिफिकेशन एज पर रूल प्रोविजनल पैनल पार्ट टू विल बी इशूड फॉर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। प्रोविजनल पैनल पार्ट टू आने वाला, आप लोग बिल्कुल भी उसके लिए चिंता नहीं करें। ओके, जो उनमें कैंडिडेट्स का पेंडिंग में था उनको जो है कि पैनल में जगह नहीं दिया गया है। अपॉइंटमेंट रिलेटेड फॉर्मेलिटीज विल बी डन बाय सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर सीनियर असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर ऑफ अलाउड डिवीजन या यूनिट्स इन ड्यू कोर्स। जो भी आगे का अपॉइंटमेंट रिलेटेड फॉर्मेलिटीज होगा, आपको ही पता है जो भी आपका डिवीजन होता है उस डिवीजन में जो आपका वो होते हैं कौन होते हैं सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर, मैं बता दूं जो भी आपके DRM में वो होते हैं, हम लोग वहाँ पे जो उस पोस्ट पे थे उसको बोलते हैं COS चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, उसका इंटरव्यू हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें उन्होंने सारा डिटेल बताया है। तो आपका जो भी डिवीजन होगा उनके ये ऑफिसर जो है सो कि आपका आगे का फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेंगे। द इम्पैनल कैंडिडेट शुड नोट दैट द पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट कन्फर देम एनी राइट टू अपॉइंटमेंट इन रेलवे टिल फर्दर रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज आर कंप्लीटेड बाय द एवर मेंशन पर्सनल ऑफिसर। मतलब ये बोला जा रहा है फ्रेंड, प्रोविजनल में जिनका भी नाम है तो उसके बेसिस पे वो लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरा नौकरी में दावा लग गया है, ये एक प्योरली जो कि प्रोविजनल लिस्ट है। जब तक कि आपका मतलब DRM ऑफिस में जो भी ऑफिसर्स का नाम लिस्ट में मेंशन है, इस ऑफिसर्स के द्वारा आपका जो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट नहीं करवा लिया जाता है। नेक्स्ट, वाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द अबव रिजल्ट रेलवे रिक्रूटमेंट से नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे रिजर्व्स द राइट टू रेक्टिफाई एंड इंटरप्रिटेंट एरर और टोपोग्राफिकल मिस्टर रेलवे रिक्रूटमेंट से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे रिग्रेट्स इट्स इन एबिलिटी टू एंटरटेन एनी करस्पॉन्डेंस फ्रॉम अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स। ओके, जैसा कि आपको पता है कि हर बार लिखा जाता है, इस बार भी लिखा जाता है कि ये जो है सो कि पूरा ध्यान रखते हैं बनाने में, फिर भी कहीं कोई गलती होता है तो इसको चेंज करने का पूरा ही अधिकार रखते हैं।
नोट प्लीज बी बेरो, मतलब आपको किसी दलाल वाला के चक्कर में नहीं पड़ना नौकरी के लिए। यहाँ पे आपको हिंदी में भी दिया है, किसी बच्चे को इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में भी देख सकते हैं। और ये आपका खुशी का पिटारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं AGC 644। यदि आप कंप्यूटर पर सर्च कर रहे तो कंट्रोल पर सेव करके अपना नाम को आप यहाँ पे इजिली सर्च कर सकते हैं। तो ये लगभग आपको पूरा देख सकते हैं, सबका डिटेल दिया हुआ था ऊपर में ही किसका कितना है। ये 23 पेज का PDF है, ये सबसे आपका लास्ट पेज है, इसको खोलेंगे तो ये जो है सो कि आपका किसका है, ब्रिज, ब्रिज में आपका कितना है 53 है। ऊपर यहाँ पे जाएंगे तो ये कहाँ है, डिवीज़न झांसी 9, उसके बाद डिवीज़न अलाहाबाद 22, यहाँ पे देखिए डिवीज़न आगरा, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स रोल नंबर टोटल 42 है, आगरा में 11 है, तो सबसे अच्छा डिवीज़न भी अलॉट हो गया आप लोगों का। उसके बाद देखिए यहाँ पे डिवीज़न झांसी ये कितना है, लिस्ट ऑफ एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स रोल नंबर डिवीज़न झांसी में यहाँ पे कितना है 23 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अलाहाबाद 72, एक मिनट हाँ, अलाहाबाद 72, यहाँ पे क्या है आगरा 39, ये किसका आपका द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ एक्स सर्विस मैन, ये भी एक्स सर्विस मैन का आपका। तो यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं, काफ़ी डिटेल में डिवीज़न के साथ आप लोगों का डिटेल दिया हुआ है। ओके देख सकते हैं यहाँ पे सबका डिटेल, यहाँ पे ये देखिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर ALD अलाहाबाद 1368 अलाहाबाद। ओके उसके बाद देखिए ओके झांसी 931। चलिए तो ये एक छोटा सा अपडेट था फ्रेंड जो मुझे आपको देना था, और मैं आप लोगों को अपडेट बोले बता दूं अलाहाबाद का भी मैं एक व्हाट्सएप नया ग्रुप बना रहा हूँ, सबको उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके आसानी से ज्वाइन होना, ताकि जिन लोगों का भी जो भी आगे का ज्वाइनिंग लेटर का प्रोसेस हो, जब भी किसी का आए तो आप लोगों को टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और रेलवे अपना प्रॉपर 100 डेज एक्शन पर प्रॉपर काम कर रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने कहा था इस वीक में आपका सारे जोन्स का अपडेट आ चुका है, तो सारे जोन्स का अपडेट आ चुका है, बस खाली गुवाहाटी वालों ने बोला है कोर्ट के केस का अगर उनका पैनल डिले बने तो वो भी कोर्ट केस के कारण दे ही देते हैं। ओके तो फर्स्ट हो गया व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, दूसरा आप लोग का ग्रुप डी का ज्वाइनिंग से संबंधित कोई भी क्वारी है तो मॉर्निंग का 10 बजे हम लोग लाइव डाउट सेशन रखते हैं और इवनिंग का 9 बजे लाइव डाउट सेशन रखते हैं, तो दोनों में से किसी का भी लाइव डाउट सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद रेलवे के बहुत सारे इंप्लॉइज का ग्रुप डी का ट्रैक मेंटेनर और प्रोटर और सारे इंप्लॉइज का इंटरव्यू हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। और जितना भी सर्विस हमारे द्वारा अवेलेबल कराया जा रहा है आप वहाँ पे हमारे सर्विस का लाभ उठाएं, और जिन भी बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ उन लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो लोग जैसे कि पार्ट पैनल 2 का वेट करें। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका जो है सो कि आप लोगों का इस बार ग्रुप डी 2018 में नहीं हो पाया होगा, फिर भी आपका ग्रुप डी 2019 बचा हुआ है, आप उसकी तैयारी पूरा सीरियसली होकर के कर सकते हैं। ओके और लाइव डॉट सेशन में किसी बच्चे का कोई क्वेरी क्लियर नहीं होता है तो आप लोगों के लिए, आप लोग जानते हैं फ्रेंड हम लोगों ने कुछ सीरियस स्टूडेंट के लिए पेड सर्विस लॉन्च किया है 5 रुपये का, 5 रुपये देकर के आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ओके तो चलिए ये एक छोटा सा अपडेट था फ्रेंड जो मुझे आपको देना था, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपका थोड़ा हेल्पफुल साबित हुआ हो तो हम लोगों ने भी सबसे पहले अपडेट देने के लिए मेहनत करना पड़ता है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी जानकारी मिल जाए, उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाए। ओके और आप चाहते हैं इस तरह के रेगुलर वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आपने मुझे इतना टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।